एनीबॉडी कैन बिकम फिट। हाँ, तुम भी अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। आप एक्सरसाइजेस भी करते होंगे, शायद जिम भी जाते होंगे, खाने में सैक्रिफाइसेस भी करते होंगे, बट आपका फैट लॉस नहीं हो रहा है। बट इस वीडियो के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कभी अनफिट नहीं रहोगे। हेलो गाइस, मैं हूँ आयुष अग्रवाल और इस चैनल पे हम लोग फिटनेस और लाइफस्टाइल की टिप्स देते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप 21 डेज में अपना फैट लॉस जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। बस मैं 5 स्टेप बताऊंगा, उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपना फैट लॉस जर्नी आराम से स्टार्ट कर सकते हो 21 डेज के अंदर। लेकिन इसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, यही सबसे क्रूशियल स्टेप है गाइस, डेडिकेशन एंड लॉन्ग टर्म फोकस। ये जो चलता है वाला एटीट्यूड है ना, ये एटीट्यूड से कुछ नहीं मिलने वाला हम लोग को। यही एटीट्यूड है जिसके वजह से हम लोग को अपना सारा गोल टफ लगता है। बट वो डेडिकेशन ही है जो, वो एक लड़का था जो 2 डिग्री बुखार में प्रैक्टिस सेशन के लिए अपना कोच के यहाँ पहुँच गया। कोच ने बोला कि यार तुम क्यों आए हो इतना बुखार में, बट वो बोला कि सर मुझे वो एक दिन का प्रैक्टिस से भी फ़र्क पड़ता है। एंड आज वो उसी प्रैक्टिस की वजह से आज वो गॉड ऑफ क्रिकेट है, हम लोग उसे सचिन कहते हैं, सचिन। बस इसी डेडिकेशन को आपको फॉलो करना है और आप अपना बॉडी में रोज़ इम्प्रूवमेंट देखोगे। हर दिन अपना बॉडी में एक नया इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा। सेकेंडली गाइस, शॉर्ट टर्म फोकस नहीं रखना है हमें, हमें लॉन्ग टर्म फोकस रखना है हर एक फिटनेस गोल के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म फोकस रखोगे तो आप एक बार फिट होगे, फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल में जाओगे, फिर मोटे हो जाओगे, तो आप कभी लॉन्ग टर्म में फिट नहीं रह पाओगे। आप अपना जर्नी को इंजॉय करो और हर एक नया नया स्टेप को अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करो, उससे आपका लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाएगा, आपका लाइफस्टाइल ही फिटर लाइफस्टाइल बन जाएगा। एक्चुअली गाइस क्या है ना, कि हम लोग इतना टाइम लगाए हैं, इतना ईयर्स दिए हैं अपने आप को अनहेल्दी बनाने के लिए, तो कुछ तो मंथ्स देना पड़ेगा अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। गाइस, जो फैट लॉस जर्नी है ना या फिटनेस जर्नी, फिजिकली से ज़्यादा मेंटली पहले स्टार्ट करना होता है। पहले यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर फिजिकली स्टार्ट होता है। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करो, फिर फिजिकली होगा अपने आप। सेकेंड पॉइंट, डाइट एंड न्यूट्रिशन। भूखे रहने से डाइट नहीं होता है। डाइट का मतलब होता है कि आप जो अपना अनहेल्दी फूड लेते हो, कंज्यूम करते हो, उसको आप हेल्दी फूड से रिप्लेस करो। सो गाइस, जब हेल्दी डाइट की बात आती है ना, तो उसमें कुछ 5 रूल्स होते हैं जिसको आप लोग को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट रूल हो गया, कैलोरिक इनपुट इज ऑलवेज लेस देन कैलोरिक आउटपुट। मतलब हम लोग जितना कैलोरी ले रहे हैं वो हम लोग का कैलोरी आउटपुट से कम होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट गाइस, शुगर, जो प्रोसेस शुगर होता है और जो डेजर्ट्स होता है, इंडियन डेजर्ट्स, उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अनहेल्दी रहता है। उसमें मैदा रहता है, चीनी रहता है, जो हम लोग का सिस्टम है जाने के लिए बना ही नहीं है। ठीक है गाइस, थर्ड पॉइंट हम लोग का आता है कि गाइस, जितना भी जंक फूड होता है उसको अवॉइड कीजिए, स्पेशली वेज जंक फूड। वेज जंक फूड में कोई हेल्दी सोर्स, प्रोटीन सोर्स नहीं रहता है, इसलिए वेज जंक फूड को तो अवॉइड कीजिए। अगर आपको खाना भी पड़ता है तो पनीर ट्राई कीजिएगा, बट वेज जंक फूड को अवॉइड कीजिएगा। फोर्थ पॉइंट आता है गाइस, कि प्रोटीन फोकस्ड आपका डाइट होना चाहिए। अगर आपका प्रोटीन फोकस्ड डाइट होगा तो आप बहुत अच्छा डाइट मेंटेन कर पाओगे ना, आप अपना बॉडी में चेंजेस देखोगे। अगर आपने मेरा प्रोटीन का सीरीज़ नहीं देखा है, 3 वीडियो का सीरीज़ है, तो ये ऊपर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दूंगा, आप देखिएगा उसे, तो आपको समझ में आएगा कि प्रोटीन के बारे में मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, और जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है वो है, जो हम लोग का जो सिंपल कार्ब्स है उसको हम लोग को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से रिप्लेस करना है। सिंपल कार्ब्स जैसे हो गया वाइट राइस, को हम लोग ब्राउन राइस से रिप्लेस कर सकते हैं, वाइट ब्रेड को ब्राउन ब्रेड से रिप्लेस कर सकते हैं। ये सारे छोटे छोटे 5 चीज़ को आप लोग ठीक करोगे तो आपका डाइट अपने आप ही ठीक हो जाता है। डाइट कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बस इस चीज़ को मेनटेन करना होता है, बहुत सिंपल है गाइस। इसके ऊपर मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन डेप्थ। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट वीक ही लाऊंगा। अगर आप बाद में देख रहे हो तो ऊपर आ चुका होगा लिंक, डिस्क्रिप्शन में भी आ चुका होगा, नहीं तो आप नेक्स्ट वीक देख लेना, मैं ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइज, हम लोग अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो है स्लीप शेड्यूल। स्लीप शेड्यूल हम लोग का फैट लॉस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है गाइज। क्या होता है ना, अगर हम लोग का इररेगुलर स्लीप शेड्यूल है, कभी 11 बजे सोते हो, कभी 2 बजे सोते हो, कभी 3 बजे सोते हो, कभी 4 बजे सोते हो, कभी
12 बजे सोते हो, ऐसे क्या होता है बॉडी कंफ्यूज हो जाता है हमारा, कि बॉडी को खुद ही नहीं समझ में आता है कि कब उसको बॉडी को रेस्ट देना है और कब अपना मेटाबॉलिज्म को फुल एक्टिव रखना है। तो अगर आप बॉडी को इतना कंफ्यूज करोगे तो बॉडी ठीक से फंक्शन ही नहीं करेगा, वो अपना मेटाबॉलिज्म अपना मोटर को चलाएगा ही नहीं जब आपका कैलोरी बर्न करता है। तो आप अपना एक स्लीप शेड्यूल फिक्स करो जिसके वजह से आपको समझ में आएगा, आपका बॉडी को पता रहेगा कि कब उसे एक्टिव रहना है कब उसे रेस्ट में रहना है। तो गाइज इसी के साथ हम लोग अपना फोर्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं जो है एक्सरसाइज। देखो गाइज मैं भी बोलता हूँ कि 70% डाइट एंड 30% ही एक्सरसाइज है, बट लेकिन वो जो डाइट है 70% उसको तो एक डायरेक्शन देना पड़ेगा ना। आप डाइट कर रहे हो लेकिन उसको कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा होगा। तो गाइज जो आपका जो 30% एक्सरसाइज है ना वो आपका डाइट को डायरेक्शन देगा, एक प्रोग्रेशन देगा, एक प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा, इसलिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप डाइट कर रहे हो आपका अगर एक महीना में रिजल्ट आएगा तो एक्सरसाइज उसको काफ़ी एक्सेलरेट करके 20 दिन में रिजल्ट आने का कैपेबिलिटी रखता है। जो 30% होने के बाद भी एक्सरसाइज मेरे हिसाब से 50% इम्पैक्ट ला सकता है अगर आप ठीक से एक्सरसाइजेस करोगे एंड प्रॉपरली एक्सरसाइजेस को जान के और उनके पीछे साइंस समझ के एक्सरसाइज करोगे। तो गाइस फैट लॉस में इंपॉर्टेंट होता है कि आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग प्लस कार्डियो ट्रेनिंग दोनों करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग क्या होता है कि गाइस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है जहाँ पे आप अपना मसल्स को इंक्रीज करने के लिए ट्रेन करते हो, एंड कार्डियो ट्रेनिंग वो होता है जहाँ पे हम अपना कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं जिसकी वजह से हम लोग का हार्ट बीट बढ़ता है, हम लोग का कैलोरी बहुत बर्न होता है, इवन आफ्टर एक्सरसाइजेस के बाद भी वो बर्न होते रहता है। इसीलिए हम लोग को दोनों एक्सरसाइजेस करना चाहिए। इसलिए आप लोग देखोगे कि बहुत सारे जिम में 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है 3 दिन कार्डियो होता है, ये वाला सिस्टम रहता है। तो इसीलिए दोनों करना ज़रूरी है। इसके लिए भी गाइस मैं डेडिकेटेड वीडियो लूँगा, आपको मैं बताऊँगा कि किस टाइप का एक्सरसाइजेस करने से क्या फ़ायदा होगा, काफ़ी डिटेल में जाऊँगा। सेम इसका भी मैं ऊपर लिंक डाल दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जैसे ही मेरा वीडियो आ जाएगा इसका, ठीक है गाइस। तो चलिए हम लोग अपना फिफ्थ पॉइंट के ऊपर आते हैं जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट। गाइस हवा में तीर चलाने से नहीं होता, प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप जिस दिन स्टार्ट कर रहे हो आज के डेट में आपका वेट कितना है, आपके बॉडी के मेजरमेंट्स कितने हैं, एंड हर वीक आपको उसको मॉनिटर करना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि आप जो डाइट फॉलो करें और आप जो एक्सरसाइजेस फॉलो करें वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है कि नहीं। गाइस क्या होगा कि अगर आप बिना प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाए डाइट और एक्सरसाइजेस फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हो और सही में इम्प्रूव कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर आपका वेट अगर बढ़ जाता है एक सर्टेन वीक में, आप एक डाइट फॉलो कर रहे हो और उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि गंदा इफेक्ट हो गया, तो आपको नेक्स्ट वीक ही पता चल जाएगा एंड आप उसके लिए करेक्टिव मेजर्स ले पाओगे। लेकिन अगर आप उसे नहीं फॉलो करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। एंड बॉडी मेजरमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी में कहाँ पे क्या इफेक्ट आ रहा है। आप अगर कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो वो बॉडी पार्ट में इफेक्ट आना चाहिए। फैट लॉस पूरा बॉडी से होता है लेकिन एक स्पेसिफिक पार्ट का अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस बॉडी पार्ट में भी इम्पैक्ट आता है। इसलिए बॉडी मेजरमेंट्स लीजिए, आपको मोटिवेशन भी मिलेगा हर वीक, अगर जब आप अपना इम्प्रूवमेंट देखोगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। सो गाइस इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर ये पाँचों चीज़ फॉलो करोगे ना आप अपना 21 दिन के अंदर आप अपना फैट लॉस जर्नी स्टार्ट होते हुए देख लोगे। सिंपल है, कुछ नहीं है। पहला चीज़ डेडिकेशन रखना पड़ेगा एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग के हिसाब से जाइए कि इसको लॉन्ग टर्म फॉलो करेंगे। डाइट में ठीक कीजिए, मैंने जो पांचों रूल बताया उसे फॉलो कीजिए, उससे क्या होगा कि आप अपना डाइट में सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट ला पाओगे, ठीक है। उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो भी लाऊंगा लेकिन तब तक आप इसमें पांचों पॉइंट को फॉलो कीजिए और ठीक कीजिए। स्लीप शेड्यूल आप अपना ठीक कीजिए, उससे क्या होगा कि आपका बॉडी फंक्शनिंग अच्छा रहेगा एंड बॉडी को समझ में आएगा कि कब उसे मेटाबॉलिज्म अपना पीक में रखना है कब उसे रेस्ट पर रखना है, ठीक है गाइस। फोर्थ पॉइंट, एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज करने से क्या होगा कि आप हेल्दी भी रहोगे, एनर्जाइज भी रहोगे और आपका बॉडी का प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है गाइस। एंड जो फिफ्थ पॉइंट मैंने बताया कि प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाइए, प्रोग्रेस रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को ही ट्रैक कर पाओ, अपने आप को ट्रैक करना इम्पॉर्टेंट है इक्वली, ठीक है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट वीक मिलते हैं इसी का आगे का पार्ट के साथ, ठीक है गाइस। तब तक के लिए सी यू।